लॉकडाउन के बाद महवा मंडी में अनलॉक टू में आलू और प्याज के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। इस दौरान आलू का रेट 2500 रुपये कुंटल और प्याज का रेट 1400 रुपये कुंटल देखने को मिल रहा है, जिसके संबंध में फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के महामंत्री फिरोज अहमद राय ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सभी लोग अपने घरों में थे, जिसको एक किलो ज़रूरत रहती थी वह आधे किलो में ही काम चलाता था। पिछले साल आलू की पैदावार ज़्यादा हुई थी, इस साल आलू की बुआई कम हुई है और उसमें भी आलू की खुदाई करते समय बारिश की वजह से खेतों में पानी लग गया तथा जिसमें 70% ही आलू निकलकर कोल्ड स्टोर में चला गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए कारोबारी नौशाद अली, मोहम्मद अजहर अली, फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के महामंत्री फिरोज अहमद राय ने कहा। हमारा नाम मोहम्मद अजहर अली है। कारण इसका है ये भाई साहब कि लॉकडाउन में सब बंद था, घर में बिक्री उक्री नहीं था, अब थोड़ा बिक्री बढ़ी है। इस साल आलू भी कम है कोल्ड स्टोर में, हर साल 100% आलू भर जाता था, इस साल 70% आलू है टोटल। आगमन को लेके आगमन तो भरपूर हो रहा है, लेकिन बाहर में किसान उसान बहुत तेजी में है, वहाँ पे किसान बहुत महंगा बेच रहे हैं आलू। आलू कैसे बिक रहा? लाल आलू यहाँ बिक रहा 23 रुपये का, सफ़ेद आलू 21 रुपये का, प्याज 10 से 12 रुपये तक बिका। प्याज में कई क्वालिटी आती है। हाँ, बहुत MP का आ रहा है, महाराष्ट्र का आ रहा है, MP वाला बिक रहा है 10-11 रुपये का, नासिक वाला 12-13 का बिक रहा है। रीजन क्या है कि मतलब इतना महंगा हो रहा है? कहाँ प्याज महंगा है, प्याज है कहाँ महंगा, आप बताइए। भाड़ा खाली आ रहा है 5 रुपये किलो का, 25-30 रुपये की एक खाली पैकेट होती जो इसमें भराई जाती है। अभी लेबर ओबर सब छोड़ दीजिए, किसान को कुछ नहीं मिल रहा 10-11 रुपये प्याज में। नासिक की प्याज महंगी बिक रही 12-13 रुपये तक। नौशाद अली, आलू की पैदावार अब किस साल कम है क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च ये बारिश बहुत हुई, हर हफ्ते बारिश होती थी, इसीलिए आलू कुछ खेतों में ही सड़ गया, स्टोर में आलू कम गया, लगभग स्टोर में करीब 65-70% आलू अब की साल गया, जिसमें से मान के चलिए इस समय 20% आलू निकल चुका है, बचा 40%, 40% में मान के चलिए 20% आलू बीज में जाएगा, बचा 20%, अभी 20% आलू अभी चाहिए हम लोग को 4 महीना, यही 20% आलू 4 महीना अभी हम लोग को चलाना है। आलू के दाम अभी और बढ़ेंगे, अभी इस समय आलू कीमत है 22 रुपये से लगा के 25 रुपया, मान के चलिए आलू अभी अभी उम्मीद है 30-35 रुपये किलो तक थोक में बिकना चाहिए। प्याज का इसमें क्या चीज़? प्याज वही बिक रहा है 1300-1400 रुपये का, बढ़िया मोटी प्याज नासिक। आगमन को लेकर क्या है? आगमन तो भरपूर है, कुछ डीजल के दाम भी बढ़ गए, उसकी वजह से थोड़ा बहुत दाम भी इजाफा हुआ है आलू प्याज में। मेरा नाम फिरोज अहमद राइन, महामंत्री फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन गोरखपुर। लॉकडाउन में तो आलू सस्ता था, इसलिए सस्ता था कि लोग पूरा हिंदुस्तान, पूरा उत्तर प्रदेश, गोरखपुर लॉकडाउन में सारे लोग अपने अपने घरों में थे, पैसे का आगमन था नहीं, कोई काम होता नहीं था, जिसको ज़रूरत थी एक किलो खपत की आलू की वो आधे ही किलो में काम चलाता था, और अब की 70-65% कुल आलू कोल्ड स्टोर में रखा गया है, कुल आलू कोल्ड स्टोर में रखा गया, और कुछ किसान अगले साल बहुत काफ़ी बो दिए थे, पैदावार ज़्यादा होती हो गई थी, सड़ के फेंका गया था, इन साल जो बोए किसान कम बोए हैं, और जो बुआई हुई है बारिश, बुआई की खुदाई के समय बारिश हो गया, पानी खेतों में लग गया, कुछ सड़ गया माल और कुछ निकल कोल्ड स्टोर में चल गया। तेज़ी तो आ गई से है, कोल्ड स्टोर से तेज़ी किसानों ने तेज़ी बनाया तो तेज़ी बनाया। आगमन ठीक है, आलू प्याज के सब आलू आगमन ठीक है, सब आ रहा बढ़िया आ रहा आलू प्याज ठीक है। रेट क्या बिक रहा है समय आलू? इस समय सिंदूरी आलू गोल वाला 25 रुपये किलो, और लाकर आलू लंबा पहाड़ी 25 रुपये किलो, एक लाल आलू 23 रुपये किलो, एक लाल आलू 24 रुपये किलो, प्याज इस समय 13 रुपये किलो की है, 12 रुपये किलो की है, 13.5 रुपये किलो की, 14 रुपये तक की प्याज बिक रही, बढ़िया अच्छी प्याज।